वीएलटी पांगुन के रेडार के सामने और रैगुटन के खिलाड़ी है, इसे हराएंगे जरूर बट उसको उतार के ही छोड़ेंगे। के सामने ऑटोबॉट के खिलाड़ी थे बट इनस्पाइट ऑफ दैट यहां पे जो फिनिश पॉइंट है वो 7C के खाते में जाता है। क्रिमिनल गोज डाउन, यहां पे मुश्किल में पड़ेंगे। वेक्सी इज जस्ट गोइंग ऑन अ रैम्पेज मोड राइट नाउ, एक के बाद एक फिनिशर्स निकालते हुए जा रहे हैं। नहीं है हाल अच्छे हालत में नहीं है जिसे वो सर्किल में देंगे बट वन पिक व्हीकल छोड़ दीजिए, जस्ट लेट्स स्टॉप ओवर द व्हीकल। फ्रूट जूस के एचपी देखिए, ओ चार बट यहां पर एक ही ओपन देख रहे हैं, कुछ नॉर्मल हो चुके हैं। ब्रैकेट के लिए भी मुश्किल रहेगा। शैडो ओपन के ऊपर स्प्रे नॉकआउट निकाला गया है। ओडिन जो प्लेयर स्ट्रगल कर रहे थे वो परेशानी क्रिएट कर रहे हैं फिलहाल गॉड लाइक के लिए। गॉड लाइक के पास जोन नहीं रहने वाला है। गॉड के लिए जोकर यहां पे अग्रेसिव आते हुए नजर आए, यस टू मेक दिस वन वन पॉसिबल डीबीएस से कंफर्म करेंगे। उसके साथ साथ ब्लाइंड का एलिमिनेशन हमें नजर आएगा गॉड लाइक के खाते में। टीपी एंड एंग्री बचे हुए हैं उनके साथ, वे बढ़ाते हैं जरूर। डीबीएस चलाया गया है, देखिए ऑलरेडी एक नॉकआउट निकाला गया है। गर्जी के रेनारो मारिया सी स्प्रे गॉड, नाम स्प्रे गॉड है जरूर बट उनको उनको जो दूसरी तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। ओबी स्पोर्ट कैनिपिशन जैक्सन को बहुत ज्यादा डैमेज किया गया, नॉकआउट चले गए एक ही ओपी एंड ही इज जस्ट कैपिटलाइजिंग ईच एंड एवरी पॉइंट जो उनके सामने आ रहे बट पैराडॉक्स नेड उनके ऊपर आ रहे हैं। अभी प्ले से एंटेंट कर रहे हैं इसी बीच में ये टीम हमारे सामने बची हुई है। टॉप डॉग के ऊपर बेहतरीन स्प्रे ट्रांसफर है ओपी की तरफ से, दैट्स द सेकंड वन ही गेट्स डाउन इन वन सिंगल स्प्रे। पहले 7C के बीच में 7C ओजी के बीच में ये फाइट होना होने देना पड़ेगा। डैनेसिस को नॉकआउट किया गया, स्प्रे गॉड को भी नॉकआउट किया जाएगा। साथ साथ the angry ape gets this all the finishes in this favor, paradox आखिरी खिलाड़ी बचेंगे and orangutan की टीम यहां पे पड़ती हुई वो फाइनल फिनिश पॉइंट के भूख में paradox को नॉकआउट किया जाएगा and the winner winner chicken dinner goes in the favor of the apes and orangutan। दिन की शुरुआत वापस से एक चिकन डिनर के साथ करते हुए इनकी VST की स्क्वाड जो है वो बूट कैंप में क्लैश नहीं थी, हम पहले देखते थे। डेल्टा पीजी नॉक शायद फिनिश भी हो जाएंगे, टीटी के कैरी यहां पर नॉकआउट हो जाते हैं, एफटीडब्ल्यू भी नॉकआउट हो चुके हैं। ग्लैडिएटर्स के लिए जरूर एक उनका कैजुअलिटी हुआ है, रिवाइवल देना पड़ेगा उनको। बट फिलहाल देखिए फ्री फायर लेके आगे जा रहे हैं, नॉकआउट और क्या यहां पर 1v4 करते हुए नजर आ सकते हैं। आगे वापस फ्री फायर दिया जाएगा शोगन के द्वारा, उनके हाथ में यूएमपी है, 11 बुलेट चाहिए वाले बची नहीं। मैन टीओपी को यहां पर फिनिश ऑफ किया जाता है। वेक्टर क्लोजिंग स्पीड द मॉडल नॉकआउट करेंगे माइटी को, आगे आ रहे हैं हेक्टर यहां पर ड्रॉप शॉट देने की कोशिश थी बट क्या बच के निकल पाएंगे। सैयद के ऊपर नॉकआउट निकाला गया, दूसरी के द्वारा एक ओपनिंग राउंड मिल चुकी है, फ्री फायर दे रहे हैं फिलहाल के लिए। डीबीएस के शॉट्स कनेक्ट होते हुए देखिए अल्ट्रॉन, हाउ इज ही अलाइव एंड इनके बुलेट्स खत्म हो जाते हैं वो फ्री फायर के चक्कर में। एक और नॉकआउट की इंतजार कर रहे हैं कि कब वो ऊपर आए खेलने का मौका मिले। तो वी नो कि कौन सी टीम जाके अग्रेसिव फाइट करना इस मैच में पसंद करती है पर यहाँ देखिए M16 के टपाटप से पड़ी तो दिक्कतें होंगी जरूर। एंड देखिए यहाँ पर ग्रेनेड जगह पे पड़ी है, नॉकआउट मिला है, सेंसे को सीधा पुश करने में इंटरेस्टेड है, सेंसे आगे आते हैं बट यहाँ पर डीवीएस के नहीं ऑलरेडी जो है शॉट्स लिए जा रहे हैं सब शॉटगन के साथ S12 के हो। गॉडलाइक की टीम देखने मिल जाएंगे, टीम सोल इंडिया से रोटेट करते हुए जरूर आ रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करते कुछ फ्रैग्स निकलेंगे जरूर, VST के खिलाड़ी आए इसमें भारी बहुत वाला बच्चेंसी वो भी देखिए ही स्मार्ट पीक करेंगे, डैमेज देंगे वापस से दूसरे एंगल से पीक करेंगे बना हुआ एंड रेवेनेंट they are willing to push the day and ekko forever is actually pushing this fears ke par knockout kar raha aaya fears ki taraf se abhi se almost 20 minute pehle hum game ke end stage pe aa chuka hai 25 minute is match ka almost khatam hone wala hai। Jonathan के साथ क्लच गॉड की जोड़ी हम सब जानते हैं, क्लच गॉड देखिए निकोल सर्वाइव कर रहा है और यहां पर एक प्लेयर नॉकआउट होते हुए नजर आए। इसी बीच में देखेंगे जरूर कि गॉड लाइक की टीम क्या करना चाहेंगे। देखो ऊपर में आते हैं, स्प्रे का कनेक्शन पड़ा जरूर बट यू नो व्हाट हैपेंड देयर किया जा रहा है। गॉडलाइन यहां पर फिलहाल के लिए नॉकआउट हो जाएंगे बट गॉब्लिन जाते हैं, एक और नॉकआउट निकाला गया है एक्वान ऑक्स के द्वारा। निंजा जॉर्ज फ्लायर के लिए टॉप डॉग को नॉकआउट करते हैं, ये टीम आज रुकने का नाम ले रहे हैं। गॉडलाइन की टीम कब से फाइट इनिशिएट की है अभी भी बने हुए हैं इसी बीच में। फर्स्ट स्टेज You can have to say it. Cannot use it anymore. आप जोन चेंजेस के कारण जो है यूज नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रोन होके आगे बढ़े चार मिनट के पास उनको पता है सामने प्यारे बटैक पर ऑक्स साथ साथ VST ने रोटेशन स्टार्ट किया था एकदम डॉक्स के साइड से। He had 55 फर्स्ट एड ड्रीम्स आगे आते हैं जरूर बट यहाँ पर एंटो ऊपर से बेहतरीन कवर फायर देते हैं अपने साथी के लिए एंड दलजीत भी एनिग्मा फॉरएवर की तरफ से वो भी फर्स्ट एड लगा रहे हैं। एलिमिनेट हो जाएंगे देखिए बच नहीं पाएंगे, राइट इज फॉर श्योर। थोड़ा सा स्प्रे डालते हैं, गेट गोज डाउन टू द प्ले जोन। टॉप 3 टीम्स ऑफ दिस मैच, एक तरफ से VST, दूसरी तरफ से टीम सोल एंड तीसरी तरफ से वॉरियर्स। शायद से खाना चाहेगी फिनिश पॉइंट निकालने की कोशिश करेगी,
does he get to the ground? No, he cannot. And ये जो हमने देखा अभी अभी, एक चीज तो clear and evident है. Has been functioning together. Individually fight नहीं ले रहे, but यहाँ पे मान्या, he's understood कोई ना कोई रहने वाले टूट पड़े उनके ऊपर, but गलती हो सकता है, and हुआ जरूर. Free मुफ्त का finish यहाँ पे बांटते हुए नजर आएंगे मान्या, and उसी के साथ और भी finishes लेने देख चुके हैं, but क्या वो player इनको देख चुके हैं? Encore. He needs to be sharp, but look at this. Makes a wrong move. Saira उससे पूरा finish निकालना चाहते हैं, but finally वो cover आ चुका है. Ronnie तो यहाँ पे बचने ही वाले, damage दे रहे. किसी को off guard पकड़ा गया, solo पकड़ा गया. Destiny के लिए भी नजर आ सकते हैं. Aditya के पकड़ा गया, इसमें आएगा. Aditya बचे हुए हैं. Place down, but Pukar out हो जाते हैं. Aditya आगे आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करता है. तब भी Godlike के पास position होगा. मुश्किल तब होगा जब South Western Shift हमें देखने का मौका मिले, but यहाँ अलादे फंसे, नॉकआउट मिला उनका. और इसी बीच में आई थिंक या देयर इज नथिंग निंजा जॉर्ज स्प्रे भारी पड़ सकता है. नॉकआउट नहीं हुआ है, बट फिलहाल के लिए तो यहां पर कंप्लीट स्टैक पुश हो रहा है उसी का. ये देखिए बहुत सही सेगमेंट रहता है. क्या था दैट वाज व्हाट ओजी जिन्होंने नॉकआउट निकाला था. बट ये फटका पड़ा डीबीएस का. ओह माय गॉड. इसीलिए ना क्लोज रेंज में आज फकल फाइट लेने से डर लगता है कि यार डीबीएस लेके बैठा होगा, पता नहीं. रॉबिन कमिंग इन फ्रंट, रेकनिंग लेब्रॉन अभी भी बचे हुए हैं, जैक्सन अभी, ये दोनों प्लेयर्स स्टिल सर्वाइविंग. स्प्रे आया, लेब्रॉन को नॉकआउट किया गया है. आखिरी प्लेयर बचते हुए रेकनिंग की तरफ से. जैक्सन पिछले बार भी बहुत डैमेज किए, इस बार युवा के सामने 1v1 एंड ही प्रिवेल्स. खत्म करते हुए यहाँ पे रेकनिंग के स्क्वाड को. अनफॉर्चुनेट बहुत देर से उस डायरेक्शन में फंसे हुए थे. Godlike दे वांट टू एंटर द सर्कल, बट उनको पता है सर्कल के अंदर खिलाड़ी है, उनके पीछे खिलाड़ी है, उनके बाजू में खिलाड़ी है. एंड जोनाथन ही इज राइफलिंग दोस बुलेट्स डाउन, बट फाइनली पीछे से आता है. आर दे कंप्लीटली ऑन द स्टडी वॉक? कि हां पहले दो तीन दिन विल स्टडी कंप्लीटली एंड देन विल फाइट, बट लुक एट दिस स्प्रे कमिंग इन फ्रॉम शैडो. कनेक्शन बढ़िया बनता हुआ, दो टीम्स का फाइट कंप्लीटली. शैडो जो है यहां पे कवर फायर दे सकते हैं. दूर से एक और प्लेयर जो प्ले ले रहे थे, इंटेल आया जरूर, लेकिन वो काफी नहीं था. और कॉजलेन यहाँ पर फिनिशेस जो है बटोर रहे हैं. सैयद लेते हुए नजर आ रहे हैं, वो कॉजलेन के साथ आगे कूद चुके हैं. जस्टिन कैन ही फाइंड समथिंग? अभी के लिए बेहतरीन असॉल्टर बन के निकल रहे हैं. जस्टिन इज डूइंग द डैमेज ऑन किओया, बट उनके सामने से और डैमेज आ रहे हैं. उनके साथ आईएनएस की टीम जो इतने टाइम से फाइट कैजुअलिटीज वगैरह वगैरह होने के बाद भी स्टिल देयर. एंड फाइनली जो का टॉप जी को नॉक किया, प्लेयर्स जो पुश करने के लिए तैयार है आईएनएस के गेल प्ले जोन से नॉकआउट हो जाएंगे. दिस इज अनफॉर्चूनेट, बट वो जोन में ऑलमोस्ट आने वाले थे. फ्रूट जूस भी नॉकआउट हो जाते हैं. डेस्ट्रो प्री फायर कर रहे हैं कि पुश कर पाए. ग्रेनेड टॉस आउट किया जा रहा है. पूरी पूरी गैरियर सिटी उनके सामने है, लेकिन उनका जो प्रेडिक्टिव एंगल है ना वो करना चाहेंगे. बट डेस्ट्रो के ऊपर ये ग्रेनेड भारी पड़ेगा. पूरी की पूरी ग्लैडिएटर्स की टीम साइड से पुश कर रही है. ओरैंगटन इज नॉट पुशिंग ओबे. वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ग्लैडिएटर्स के ऊपर प्रेशर बन चुका था, वो ग्लैडिएटर्स के ऊपर प्रेशर बनाए के रखो, खत्म करो उनको. उसके बाद बैटल रेयर होता है, बट वो किया जाता है. शैडो प्री फायर डालते हैं जरूर, बट इट्स नॉट गोना बी इनफ. नॉकआउट किया जाता है एंग्री एप के द्वारा. एंग्री एप गोइंग एब्सोल्युटली बॉन्कर्स. एक और स्प्रे, एक और कंफर्मेशन. दो टीम बची हुई है. ही इज अनश्योर अबाउट दैट कि दो है या एक टीम बची हुई है. बट जस्टिन जितना हो सके फाइट लिया, विस्कोर को नॉकआउट किया, बट फिनिश पॉइंट नहीं मिल पाया. ऐसे सिचुएशन में फिनिश पॉइंट के लिए जाते हैं प्लेयर्स. वी ऑल नो इट, वी हैव सीन इट इन सैनहॉक, वी हैव सीन इट इन एरेंगेल. एंड यहां पर जाके मिल रहा है उस हाइट का पूरा फायदा वो उठाना चाहेंगे. मीनवाइल यहां पे जोकर की बात करें, आगे अग्रेस करेंगे उनको, ये नॉक फिनिश में तब्दील करेंगे. अलग झपकते डिफेंसिव रहना चाहिए, बट मीनवाइल फाइट यहाँ पे शुरू कर चुके हैं. इनके सामने रहने वाले सोल सैयद मुझे अगर वेलोसिटी पे ऑल दैट्स अ नॉक फिर दारे स्प्रे डाउन होता हुआ नजर आ रहा है. डेल्टा एंड शोगन साथ में प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, बट उनको मौका नहीं मिल रहा है. दूसरी ओर इंपॉर्टेंट जितना ओवेज का सर्वाइवल भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है.
अक्षत की बात करें, नीट जाएगा, कनेक्शन नहीं आएगा, हेक्टर विल गो डाउन। वो बोल रहे कि इस फाइट को चालू रखो, निकालो इसको, खत्म करो। हेक्टर दोबारा एक नॉक आते हुए, इतना बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे, देयर इज नथिंग बट यहां पे जरूर एक खिलाड़ी को नॉक करेंगे, बट कैन दे फाइंड वैल्यू। खुद दो खिलाड़ी को खो चुके हैं, गॉड लाइक जॉनथन एज वेल एज निक्सन जो हमारे क्लच गॉड है। अब गॉड लाइक मजबूर है और नजदीक जाने भी है इसकी कैच, जिसके वजह से शैडो डाउन होते हुए नजर आते हैं और इस पे थर्ड पार्टी करते हुए नजर आएंगे। क्लच गॉड को बिगड़ा चुके जॉनथन, रशिंग राइट टू द बीच, क्या उनको कोई मौका मिलेगा? क्रॉस ओवर कर जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। आई थिंक सेवियर, बट वीएसटी का पूरा स्क्वाड है एमजे, जी हाँ वो ढूंढ के निकाल सकते हैं। क्या गॉड लाइक ये चिकेट निकाल सकते, बिकॉज फिनिशेस गॉड लाइक के पास आ रहे हैं चल के। जॉनथन वाइप्स द एंटायर वीएसटी स्क्वाड, अभी मैक के ऊपर टूट पड़ चुके हैं, डन द डैमेज, आइसोलेट कर रहे हैं इस 1v3 को। जी हाँ, मुश्किल रहने वाले, पोजीशन पता चल चुके हैं। एंड जॉनथन एक और मुश्किल में रहने वाले, क्योंकि सर्कल एडवांटेज में नहीं है, बट ही स्टिल फाइंडिंग द गैप, प्रे करने के लिए मौका ढूंढ रहे हैं। एंड मैक जो फ्लैंक करके आ रहे थे उनके प्रे करेंगे, फिनिश उठाते हुए नजर आएंगे। अमेजिंग प्ले कमिंग इन फ्रॉम ओवर। एंड आज के दिन में क्या हो रहा है, मोस्टली जो टीम्स खेलती है हमें पता है, वो फ्लाइट पाथ के अकॉर्डिंग रोटेशन लेके जाएंगे, बट यहाँ पे कुचला गया है। 10 HP के साथ बचे हुए हैं, करेक्शन 10 HP के साथ बचे हुए हैं, एंड एक शॉट स्काउट ओपी का आता है, जिससे नॉक हो जाएंगे यहाँ पर सारंग। बढ़ते हैं आगे एक्सपाप के, को पता है, देखिए स्प्रे डाल के सबसे पहले तो कंफर्म पुश किया है, कंप्लीटली बैकअप दे, पर यहां पर देखिए ट्रांजिशन फाइट करके का मौका मिलेगा मेजर के ऊपर, बहुत बढ़िया स्प्रे जूसी का, लेकिन वो बच के निकल जाते हैं, नहीं निकल पाएंगे वहां पर, नॉकआउट निकाला गया उनके ऊपर। देखिए बेहतरीन कवर आता है जिसमें बच आउट ओपी पोजीशन ले रहे, देखिए उनको दिख चुका है ऑलरेडी एक प्लेयर, सही समझ गया यहां पर एक तो किसी हाल में, बट वो ग्लिच, वो हिल ग्लिच ज्यादा देर तक एलिमिनेटेड, जीरो फिनिश पॉइंट्स ओजी के लिए, एक मेजर सेटबैक। मतलब एक्सपार्क एंड एक्सपार्क के लिए देखिए, वो ओपन में पुकार जो नॉकआउट हुए थे उनका कॉन्फर्मेशन मिलेगा कि नहीं पता नहीं, बट सारा को इसी बीच में जो है कंफर्म किया गया है। गमला बॉय बच्चों के पीछे बैठे रहेंगे, ट्रॉय एंड उनके साथ साथ सीक्रेट ऑफ फोर, यही दोनों प्लेयर्स बचे हुए ट्रॉय के ऊपर। दोनों तरफ से शॉट्स आ रहे हैं, वो कहीं निकल नहीं सकते, राइट साइड जाएंगे, पीछे से शॉट्स पड़ेगा, ऊपर जाएंगे, सामने से शॉट्स पड़ेगा। ब्लाइंड की टीम पूरा का पूरा हिल का जो कंट्रोल है मेंटेन कर रहे हैं इस पावर के ऊपर, वो धीरे धीरे करके वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। स्प्रे डाला गया लेकिन उसे कनेक्शन नहीं बना, दोबारा से देने की कोशिश, दो प्लेयर्स भी करने वाले हैं और ई-स्पोर्ट्स के खिलाड़ी इस मौके का हाइट एडवांटेज का फायदा उठा सकते थे, बट पीछे तो देखो क्योंकि वहां प्लेयर्स मौजूद है, आखिरी खिलाड़ी मैक्स बस बचे हैं, ड्रीम सामने रहेंगे। 1v2 का सिचुएशन, दो प्लेयर्स आएंगे, एक को नॉकआउट किया जाएगा, ड्रीम्स पीछे है, एक तीर से दो निशाने मारते हुए हर्ष यहाँ पे मौजूद, अल्ट्रॉन के एचपी का में, अल्ट्रॉन को एलिमिनेट किया जाएगा। एंड गेम में फाइट के लिए मदद दिलाए, बट इसी बीच में पुश करने के लिए तैयार है वीएसटी, एलिमिनेट जरूर हो चुकी है एक ब्रेक पॉइंट के साथ। डीबीएस के गैस बॉक्स के अंदर ही ढपस, डीबीएस के दो शॉट्स लिए एंड द एंटायर टीम इज गॉन। जैक्सन को किया गया है कंफर्म एंड मुश्किलें बढ़ रही है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ अकेले एक प्लेयर कुछ नहीं कर पाए। सिचुएशन डीबीएस का बन चुका है, टीम तमिलास स्प्रे दिया गया नॉकआउट लेकर रॉनी आगे जा रहे हैं। वेपन का तोर कुछ भी नहीं है क्लोज रेंज में, अनलेस आप जंप करें किसी तरीके से डॉच करें। पोजीशन देखिए, रॉनी पुश कर रहे हैं जरूर, मैक्सिमम भी गए उनके सामने, एंड एमके 14 आपको पता है एमिनेशन कम रहता है, बुलेट्स रन आउट, नॉकआउट मिलेगा, वन ऑफ देयर प्लेयर्स सिचुएशंस हाथ से बाहर जा सकते हैं। जोकर को भी किया गया है नॉकआउट एंड पुश करने के लिए तैयार है, अकेले इस पावर बचे हुए हैं ब्लाइंड की तरफ से। पहला चिकन डिनर ये टीम तमिलास का हो सकता है, लुकिंग टू मेक अ कमबैक इन द पॉइंट्स टेबल, एंड देयर इट इज, टीम तमिलास अपना पहला चिकन डिनर यहां पे सिक्योर करते हैं। व्हाट अ फैंटास्टिक फैंटास्टिक गेम, लुकिंग फॉर द लास्ट प्लेयर राइट नाउ, कैरी बॉल के पीछे छुपे हैं टीममेट्स के साथ, कवर भी रहने वाले, स्प्रे गोल, स्प्रे गोलिंग देम ऑल डाउन, उनका इंटेंशन हंट नहीं, उनका इंटेंशन एक्चुअली लूट है, वो दूसरी ओर ओपेनी रुकने का नाम नहीं लेना चाहते थे, ऑल्सो
ब्लाइंड के खिलाड़ी टूट पड़ रहे हैं। यहाँ पे डैमेज जरूर बहुत ज्यादा कर चुके हैं, बट तुरंत दोनों अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाएंगे। बट सिंसाई आई थिंक इज कमिटिंग ऑन इट, रोटेट करते जा रहे हैं। देयर विल बी अ डायरेक्ट स्लैम इन सेकंड की टीम आप यहां नजर आएंगे। सीधा स्लैम किया गया, नॉकआउट निकाल सकते बट माइकी विल गो डाउन फॉर नाउ। इसके साथ साथ अगर बात करें बैटमैन की, दोनों के एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। दूसरा नॉकआउट यहां पे आएगा और शॉट कम से कम ऑफ एंगल एंड नॉकआउट पे नॉकआउट निकालते जा रहे हैं। रेकनिंग आर इन टू डिवास्टेटिंग पोजीशन। अल्ट्रॉन की एचपी की बात करें, पिक्सेल एचपी पे सर्वाइव करें, युवा को नॉकआउट किया गया था। टाइम बाय करने की कोशिश है फिलहाल के लिए, पोजीशन जज नहीं कर पाए, बट टीबीएस प्लेस द पार्ट, गेट्स वन नॉकआउट। 8 बिट 8 बिट के लिए दूसरी खतरा आता हुआ और इसको चाहे एचपी कम है, एक नॉकआउट निकालेंगे, सीधा फिनिश ऑफ करेंगे। उसको पता है यहां से बचना मुश्किल है, बट दूसरी वंस टू गेट ऑल द फ्रैग्स एज मच पॉसिबल। ओआर स्पोर्ट्स के लिए कोई टेंशन है, मैक्स को पूरा साउंड क्यों मिल रहा है, ग्रेनेड को वैक्सी के पास क्या कनेक्शन मिलेगा, स्विंग आउट मिलेगा, वैक्सी पिक्स अप वन टाइम पर एक कनेक्शन आएगा, बट नॉट अ लॉट ऑफ डैमेज उनको सोचने के लिए, बट सेंसा ही गेट्स फ्लैग। अगर हम बात करते हैं और मैक्स या कोवन से आ रहे हैं आपकी रेडियस में आएंगे, और उसके साथ साथ जो स्प्रे दिया गया मैक्स को बहुत आ रही है। उनके नीचे स्काउट ओपी, कैन ही मेक इट अप अगेन, उनको पता ही है पोजीशन कितना वल्नरेबल है। वीएसटी के खिलाड़ी चार्जिंग कर रहे हैं, दिखेगा फिनिश ऑफ करेंगे टीम सोल के लिए। इट कैन बी दैट वन मैच के ऊपर वो टिके एक जगह पे ट्रैप आउट हो चुके, इट्स अ बिग डिजास्टर। वीएसटी के एक नेट पर एट के चलते ये पूरा गेम टीम सोल के बाहर हो सकता है। 11 फिनिशेस इस टीम के पास है, मोलोटोव से ओमेगा या नेट से टेक डाउन किए जाएंगे। अक्षत हेक्टर इन दोनों के ऊपर पूरा गेम रिलाई करता है, हाई ग्राउंड एडवांटेज वीएसटी के पास है। टीम सोल आर नॉट विलिंग टू गिव अप एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन, नेट्स बैक किए जा रहे, अक्षत की एचपी ड्रेन आउट हो रही है, टीबीएस का फायदा होना नहीं वाला है। एंड ये मैच हाथ से निकलता हुआ जा रहा है टीम सोल के, एज वीएसटी टेक्स इट होम, द विनर विनर चिकन इन।